व्हाट इफ ब्लैक फ्रीजा वाज इन टूर्नामेंट ऑफ पावर? क्या गोकू को नया फॉर्म मिलता या वेजिटा को नया फॉर्म मिलता? क्या सच में यूनिवर्स 7 को इतना दिक्कत आता टूर्नामेंट ऑफ पावर जीतने में? और क्या वाकई में एंड्रॉइड 17 आखिरी में जीतता? अब ये सारी की सारी चीजें चेंज हो जाती सिर्फ ब्लैक फ्रीजा के आने में। अब टूर्नामेंट ऑफ पावर में सिर्फ जिरेन ही एक लौता ऐसा बंदा था जो यूनिवर्स 7 को बहुत ज्यादा मुश्किल में खड़ा कर रहा था। अब ब्लैक फ्रीजा के आने के बाद ये सारी मुश्किलें यूनिवर्स 7 के सर से हट जाती, क्योंकि ब्लैक फ्रीजा सबको इंक्लूडिंग जिरेन कुछ चंद सेकंड में हरा देता। अब ब्लैक फ्रीजा के प्रेजेंस में गोकू एंड वेजिटा अपने लिमिट को सरपास नहीं कर पाते और उनको नया फॉर्म नहीं मिलता। सो दैट्स मीन कि एंड्रॉइड 17 टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं जीतता, और जिसके चक्कर में जितनी भी यूनिवर्स एलिमिनेट होके नॉन एग्जिस्ट हो जाते हैं, जिसके चक्कर में वो कभी वापस नहीं आ पाते। अब सुपर ड्रैगन बॉल से विस सिर्फ एक ही बंदा मांग सकता था। अब ब्लैक फ्रीजा अपने यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो वो अपने सारे बंदों को उस रिंग से बाहर फेंक देता, एंड ब्लैक फ्रीजा अकेला बचता उस पूरे रिंग में, ताकि से वो अपनी सेल्फिश विश पूरी कर पाए। अब वो विश कुछ भी हो सकती है। अब उसके नेचर को जानने के बाद दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है, जिसमें से उसकी एक विश ये हो सकती है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा ताकतवर हो जाए, एंड सेकंड इज कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को रिप्लेस करके खुद यूनिवर्स 7 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता।